नेता प्रेम मित्तल जुड़े हुए हैं, सीधे जुड़ेंगे उनसे। प्रेम मित्तल जी, जिस तरह से कार्रवाई हुई है, सीएम हेमंत सोरेन अब सीएम नहीं रहे, पूर्व मुख्यमंत्री कहा जा सकता है, उन्हें ईडी ने हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तारी हो गई है, क्या कहेंगे आप? हमारी आवाज मिल पा रही है क्या प्रेम मित्तल जी? जी बोलिए। स्वतंत्र इकाई है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपना काम कर रही है, और जैसा हेमंत सोरेन जी ने किया वैसा वो भुगत रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर, क्या मांग करेंगे? क्योंकि जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, गिरफ्तारी हिरासत में लेने से कुछ घंटे पहले उन्होंने एसटीएससी एक्ट में मामला भी दर्ज करा दिया ईडी के अधिकारियों पर। अब वो तो अपना बदहवासी में जो भी चाहे कर रहा है हेमंत सोरेन जी और उन लोग जो भी कह रहे हैं, लेकिन ईडी की कार्रवाई से प्रताड़ना की कहा बात है। ईडी ने मान लीजिए संबंध भेज करके पूछताछ के लिए संबंध भेज रहे हैं, तो उसको प्रताड़ना की तो कोई बात है नहीं। पूछताछ के बाद वो संतुष्ट नहीं कर पाए, और इसके पास निश्चित रूप से अगर एक मुख्यमंत्री के ऊपर ईडी हाथ डाल दे तो कुछ पुख्ता सबूत है तभी तो डाल देगी। अगर बिल्कुल, गठबंधन के तमाम नेताओं की ओर से बीजेपी पे निशाना साधा जा रहा है, केंद्र की सरकार पर निशाना साधा जा रहा है कि जानबूझकर उनकी सरकार को उन्हें परेशान किया जा रहा है। ये सारे आरोपों पर कोई दम नहीं है। अब वो विपक्ष में इसने बीजेपी पे आरोप लगा दे, लेकिन ईडी एक स्वतंत्र इकाई है और उसके पास पुख्ता सबूत कुछ ना कुछ जरूर हाथ लगे हैं, तभी वो इस ढंग की कार्रवाई कर रही है। चलिए प्रेम जी, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेम मित्तल, जो बता रहे थे कि ईडी अपना काम कर रही है, जो कानून सम्मत है वही काम कर रही है, और ईडी ने उन्हें काफ़ी पहले जब पहला समन दिया था उसी वक्त उन्हें पूछताछ में शामिल होना चाहिए था और ईडी के सवालों का जवाब देना चाहिए था। तो इस तरह से जो माहौल इस तरह का बना वो नहीं होता और ऐसी नौबत भी नहीं आती। तो सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने अपनी हिरासत में ले लिया है और ईडी उन्हें कहां लेकर जाएगी ये अभी खुलकर ये तथ्य सामने नहीं आया है। हमें भी इंतज़ार इस बात का है कि निर्णय क्या होता है, क्योंकि ईडी ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया और इंतज़ार इस बात का है कि ईडी उन्हें कहां लेकर जाती है। खबरें ये भी आ रही हैं कि जो पुराना सीएम हाउस है, क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन अपने बीजेपी के प्रदेश मंत्री सरोज सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सरोज सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप में स्वागत है आपका। जो कार्रवाई हुई है क्या कहेंगे उसे लेकर आप? हाँ जी, सवाल एक बार दोहराएंगे सर। सीएम हेमंत सोरेन अब पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुख्यमंत्री ने जो किया है उसी का सजा उनको मिला है, उसी करनी का फल उन्होंने भोगा है, कोई उसके लिए दूसरा कोई जिम्मेवार नहीं है, उसके लिए स्वयं मुख्यमंत्री जिम्मेवार है। जिस तरह से चाहे वो जमीन के घोटाले हो, चाहे खान के घोटाले हो, जिस तरह से खनिज के घोटाले हो, या और भी कई चार्जेज हैं, कई केस चल रहे थे कोर्ट के आगे पीछे और हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गए, ईडी लगातार नोटिस देती रही, वो गए नहीं, और आज जो हुआ है वो उनके करनी का फल है, उन्होंने जो गड़बड़ियां की है उसी का सजा उन्हें मिला है। सरोज जी, गठबंधन के तमाम नेता, चाहे वो कांग्रेस के हो या जेएमएम के हो, बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, केंद्र पर अंगुली उठा रहे हैं कि आखिर जानबूझकर साजिश की गई है, उसी का नतीजा है ये। से तो मैं यही कहूंगा कि उनके पिता शिबू सोरेन जी जब जेल गए थे और उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय उनको कौन जेल भेजा था इनके पिताजी को? ये तो उनको उनके बताना पड़ेगा। कांग्रेस के जो लोग कह रहे हैं तो उनके पिता शिबू सोरेन जब जेल गए थे और वो जब कोयला मंत्री रहते हुए 20 दिन भाग गए थे वहां से, अचानक पार्लियामेंट से ही भाग गए और 20 दिन के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, जेल गए, उस समय किसकी सरकार थी? भाई सवाल सीधा है, जो गड़बड़ी करेगा वो जेल जाएगा, वो गिरफ्तार होगा, उस पर कार्रवाई होगी, कानून सबके लिए बराबर है। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी जब शिबू सोरेन जेल गए थे, लालू जी जब उस समय जेल गए थे। आज लोग लालू जी के लोग कह रहे हैं कि भाजपा कार्रवाई कर रही है, भाजपा इस्तेमाल कर रही है, लेकिन लालू जी भी जब जेल गए थे उस समय कांग्रेस की ही दिल्ली में सरकार थी, उन लोगों की ही सरकार थी, तो जो गड़बड़ी करेंगे वो जाएंगे, इसमें दिक्कत कहां है?
हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी नेता सरोज सिंह जो कह रहे थे कि ये करनी का फल है, सीएम हेमंत सोरेन ने सीएम रहते हुए जो कुछ किया था उसी का दुष्परिणाम है कि आज उन्हें ये दिन देखना पड़ रहा है। और इस वक्त कांग्रेस नेता राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, न्यूज बायोस्कोप में आपका स्वागत है। राजीव जी, सीएम अब पूर्व सीएम हो गए हेमंत सोरेन, ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, लगातार जिस प्रकार के प्रयास चल रहे थे और जिस प्रकार से जनता की चुनी हुई सरकार को किस प्रकार से पर्दे के पीछे से डिस्टेबलाइज किया जाता है, इस प्रयास में आज कामयाबी मिली है उनको। निश्चित रूप से इनको ये बर्दाश्त नहीं हो पाया कि यहाँ के एक आदिवासी का बेटा इतना अच्छा शासन चला रहा है, चार वर्षों तक जनता के दरवाजे पर पहुंचकर जनता के सवालों को हल कर जनता को लाभ पहुंचा रहा है। बिल्कुल राजीव जी, अब क्या मांग करेंगे आप? नहीं, मांग क्या करना है, हम लोगों ने तो दावा गठबंधन दल के लोगों ने पेश कर दिया है। अब राज्यपाल जितनी जल्दी हो शपथ ग्रहण के लिए नई सरकार के मार्ग का प्रशस्त करने के लिए अपना कदम उठाए। बिल्कुल, अभी अभी बीजेपी बीजेपी के प्रवक्ता सरोज सिंह से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग अगर बीजेपी पर या केंद्र पर सवाल उठा रहे हैं तो उन्हें बताना चाहिए कि जब शिबू सोरेन केंद्रीय कोयला मंत्री थे तो उन्हें कांग्रेस ने गिरफ्तार किया था, लालू यादव को भी कांग्रेस की केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया था। ये भाजपाई लोग जो है ना, उनके कथनी और करनी को देख करके यही पता चलता है कि वो समय और परिस्थिति के अनुसार कभी ज्योतिष बन जाते हैं, कभी जज बन जाते हैं, कब किस भाषा का प्रयोग करते हैं, ये आने वाले दिन में आपको और ज्यादा दिखाई देगा। इसलिए भाजपा ही क्या कर रहे हैं ये बहुत महत्व का विषय नहीं है। इस राज्य में हेमंत सोरेन जी का इस्तीफा हो गया है, समर्थन पत्र सौंपा जा चुका है, जितनी जल्दी हो सके राजभवन इस पर अपना निर्णय ले। चलिए राजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस नेता राजीव रंजन, जिनका कहना था कि सीएम हेमंत सोरेन ने अपना इस्तीफा दे दिया है और इसके साथ ही विधायक दल का नया नेता चंपई सोरेन को चुन लिया गया है, बहुमत का दावा पेश कर दिया गया है, अब राजभवन जल्द से जल्द निर्णय ले, ये मांग की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। तो झारखंड में बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला है, सीएम हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है, चंपई सोरेन को विधायक दल का नया नेता चुना गया है, 43 विधायकों के हस्ताक्षर वाला समर्थन पत्र भी चंपई सोरेन ने राजभवन को सौंप दिया है, उनके साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी थे। अब गठबंधन की तरफ से ये मांग की जा रही है कि चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ दिलाई जाए, देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या कुछ होता है। मिल रही है कि सीएम हेमंत सोरेन को ईडी हिरासत में लेने के बाद ईडी दफ्तर लेकर गई है और हम हालांकि ऐसी जानकारी आ रही थी कि पुराने सीएम हाउस में उन्हें हाउस अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन अभी ये जानकारी सामने आ रही है कि सीएम हेमंत सोरेन को इस वक्त ईडी अपने ईडी दफ्तर लेकर गई है और वहां आसपास धारा 144 लागू कर दिया गया है, वहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। और थोड़ी ही देर में हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़ेंगे, नीरज से हम जानेंगे कि क्या कुछ वहां से अपडेट है। वहां कुछ देर पहले ही सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई थी और पुलिस के जवानों को वहां तैनात कर दिया गया था, सीआरपीएफ की भी मौजूदगी है और बताया ये जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की टीम जो उन्हें हिरासत में ले चुकी है ईडी दफ्तर लेकर पहुंच रही है। तो अभी अभी ये अपडेट सामने आ रही है कि सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की टीम अभी ईडी दफ्तर लेकर पहुंच रही है और उन्हें हाउस अरेस्ट करने की बात जो सामने आ रही थी फिलहाल उस पर पुष्टि नहीं हो पाई है। तो सीएम हेमंत सोरेन को हिरासत में लेने के बाद ईडी की टीम उन्हें अब ईडी दफ्तर लेकर पहुंच रही है और ईडी दफ्तर में उनसे पूछताछ होगी, उन्हें रिमांड पर लिया जाता है, क्या होता है ये सवालों के घेरे में है, हमें थोड़ी देर इंतजार करना होगा तभी हम आपको अपडेट दे पाएंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता और प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जुड़ गए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। प्रतुल जी, न्यूज बायोस्कोप में आपका स्वागत है। सीएम हेमंत सोरेन अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, इस्तीफा दे दिया है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी ईडी को करना है कि उनको हिरासत में लिया गया, लेकिन जो खबरें आ रही हैं आपके यहाँ दिखाया जा रहा है कि उनको ईडी के मुख्यालय ले गया गया रांची में,
तो हमारा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी जी के न्यू इंडिया में करप्शन की कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री जी की सरकार पर 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का आरोप लगा था, उन्होंने उनके ऊपर उनके डायरेक्ट एलिगेशन थे कि उनकी मदद से जो आर्मी का लैंड है, अब सोचिए कि सब कुछ छोटे छोटे इन्होंने आर्मी के लैंड का भी डील करा दिया था और इन्वेस्टिगेशन से भागते रहे उदय जी। सात संबंध में टाल मटोल की, आठवें में जब ईडी ने कहा आप नहीं आएंगे तो हम आ रहे हैं, तो फिर उन्होंने जाकर अपने घर पर पूछताछ करवाई, उसमें भी काफी प्रश्नों को टालते गए। और दसवें संबंध के बाद तो जब उनको समय देना था उन्होंने समय तय समय दिया भी नहीं, 27 तारीख तक तिथि बतानी थी और फिर मुख्यमंत्री जी फरार हो गए। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई मुख्यमंत्री 40 घंटे तक फरार रहा हो। तो मुझे लगता है कि बुरे काम का बुरा नतीजा, मुख्यमंत्री जी के लिए आज कयामत की रात है, आज उनको गुनाहों का फैसला होने की रात थी। और आपके चैनल में बता दें कल 10:30 बजे उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री की तरफ से एक मामला भी दर्ज कराया गया है, वो उसकी एक्टिंग चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ में सुनवाई होगी, उस पर मुख्यमंत्री वर्सेज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उनको अधिकार है कानून में तो वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन झारखंड को शर्मसार किया साहब आपने राष्ट्रीय स्तर पे, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया और मुख्यमंत्री 40 घंटे तक फरार रहे जी। बिल्कुल प्रतुल जी, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, जेएमएम के नेताओं की तरफ से लगातार बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है, केंद्र पर निशाना साधा जा रहा है, इस सबके लिए कहा जा रहा है कि जानबूझकर मुख्यमंत्री को प्रताड़ित किया जा रहा। हमने कहा था कि उनकी माइनिंग सेक्रेटरी के यहाँ 20 करोड़ 21 करोड़ उनके सीए के घर से बरामद हुआ, मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि को किंगपिन बताया गया, साहिबगंज में जो 1,250 करोड़ का पत्थर का खनन घोटाला हुआ, मुख्यमंत्री ने विधायक प्रतिनिधि को हटाया भी नहीं। तो आप बताएं कि ये सारी चीजें क्या हमने करवाई? उसके बाद जमीन का घोटाला हुआ रांची में, जो उनके डिप्टी कमिश्नर थे अभी तक जेल में है, माइनिंग सेक्रेटरी जेल में, मुख्यमंत्री के करीबी प्रेम प्रकाश सत्ता के गलियारे के बड़े दलाल वो भी जेल में, उनके घर में तो मुख्यमंत्री के हाउस गार्ड के दो AK-47 बरामद हुए थे, रांची पुलिस अभी तक भी मामला दर्ज नहीं करा। लेकिन देखिए एक बहुत ही नाटकीय घटनाक्रम में जब ईडी से पूछताछ चल रही थी तो उस समय होम सेक्रेटरी को हटा दिया गया। क्या होम सेक्रेटरी को इसलिए हटाया गया कि मुख्यमंत्री ने जो आज FIR करवाया था उसको फर्जी FIR हम इसलिए कहते कि FIR की पहले लाइन में ही लिखा ईडी के अधिकारियों के खिलाफ आज जो FIR हुआ था उसमें सीधा लिखा हुआ मैं हेमंत सोरेन सन ऑफ शिबू सोरेन एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रिप्रेजेंटिंग साहेबगंज। अब जिसने FIR किया उसको ये भी पता नहीं कि मुख्यमंत्री परहेज थे और इसमें मुख्यमंत्री जी के हस्ताक्षर बताए जा रहे हैं, तो हमारा तो उस पर भी डाउट है कि सच में मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर हैं कि नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री कैसे लिखेंगे? वो परहेज से विधायक है और जो SC ST केसेस लगा के ED ऑफिशियल्स को आज गिरफ्तार करने की योजना बनी थी, और जब इस योजना पे सुनने में आ रहा सत्ता के गलियारों में होम सेक्रेटरी ने आपत्ति की तो उन्हें हटा दिया गया, तो मुख्यमंत्री ने फर्जी FIR किया, इस मामले में भी उनको फेस करना पड़ेगा जी। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये प्रतुल शादेव बता रहे थे कि सीएम हेमंत सोरेन ने जो ST SC Act में केस दर्ज कराया है उस पर उनके हस्ताक्षर हैं, लेकिन जानकारी गलत दी गई है, उन्होंने खुद को साहिबगंज का विधायक बताया है और इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि साहिबगंज विधानसभा है ही नहीं, वो बरहेट से विधायक हैं। ऐसे में इनका सीधा प्रतुल शादेव का कहना है कि जब एक जानकारी गलत दे रहे हैं तो वो एक्ट को लेकर या फिर जो आरोप लगा रहे हैं वो सही हो सकते हैं, ये कोई कैसे विश्वास करे? इस पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं और कहा यह जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से यह जो मामला दर्ज कराया गया है इस पर भी वो बुरे फंस सकते हैं क्योंकि वो गलत जानकारी दे रहे हैं कि वो साहिबगंज के विधायक हैं।